हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित चिकू व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो भाई आज का जो व्लॉग है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये अपनी साइकिल, तो भाई मॉर्निंग में मैं जा रहा था जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ ऐसे पार्ट टाइम, तो भाई इस साइकिल का एक्सीडेंट हो गया यार, ये स्लिप हो गई, एक डॉगी सामने आ गया तो इसका स्टैंड टूट गया भाई। अब उसको लेके जाएंगे वेल्डर के पास, इसको रिपेयर करवाते हैं भाई, देखते हैं आगे मिलते हैं। तो यहाँ से टूट गया इसका स्टैंड यार, देख सकते हो पूरी यार यहाँ से रस्ट होके, देखो स्टैंड टूट गया यार, ये रखा स्टैंड, इसको वेल्ड करवाने लेके जा रहे हैं भाई, देखते हैं शॉप पे क्या होगा। भाई ब्लॉग में बने रहना एंड तक, आप करते हैं कंटिन्यू। आज से तो भाई नवरात्रि भी शुरू हो गई है, तो जय माता दी आप सभी को। चलते अपनी राइड पे, उस दिन स्टैंड टूट गया। मॉर्निंग में मैं जा रहा था जहाँ पे मैं वॉक करता हूँ पार्ट टाइम अंकल के घर, तो भाई वहाँ पे क्या हुआ, एक ना डॉगी बच्चा था, ये लगता फ़ोन अंदर ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे भीड़ भी हो रही है, स्कूल है, इसकी भी छुट्टी होने वाली है और यहाँ पे रामलीला हो रही है आई थिंक। जाम जाम हो जाए क्लियर। अरे अंकल ये देख सकते हो यहाँ की हालत ही हो जाती है, रुक के खड़ा हो जाता है सब कुछ। ठीक हो? अभी करवाते भाई, ये वेल्डिंग करने वाली मशीन ही खराब है, देख सकते हो आप, तो यार वेल्डिंग नहीं हो पाएगा स्टैंड, ये अपना स्टैंड ऐसे ही जाना पड़ेगा दूसरी शॉप पे, देखते हैं होती है कि नहीं। ये कह रहे हैं बुधवार तक होगा, भाई आज सोमवार है तो थोड़ा वेट करता है भाई। ये खड़ी अपनी साइकिल और एपिक रिएक्शन दिखाता हूँ मैं, देखो ये देखो भाई, देखो देखो नज़र देखो साइकिल पे, ये भाई ये देख सकते भाई इनकी नज़र, देख रहे हो भाई साहब मौज कर दी बेटे, देख वाला हो यार तभी भाई, देख सकते बच्चों का रिएक्शन। तो मतलब दो दिन बाद आ गया हूँ आज मैं दोबारा साइकिल रिपेयर करवाने, तो भाई आज देख सकते हो मैं दिखा रहा हूँ, गैस सिलेंडर भी बाहर ही रखा है, अभी उसको रिपेयर करवा दिया गया, तो आज होगी गैस वेल्डिंग। देखो टंकी चेंज हो गई है पूरी, और पहले भी मैं डाल देता हूँ ऑयल, तब तक वो कर लेंगे दूसरा काम, तब तक साइकिलिंग में कर लेते हैं थोड़ी ऑयलिंग भाई, ये थोड़ा ना ऑयल डाल देते हैं यार, कहाँ से निकलेगा भाई, निकल जा अभी यार, ये तो निकल ही नहीं रहा, इसमें तेल कम है, अब इसमें तेल भर जाएगा तब साइकिल में डालते हैं, उसके बाद वेल्ड करवाते हैं भाई, और अपनी साइकिल एक क्लास हो जाएगी। ठीक है भाई, तेल ठीक है, इसमें तेल फिल हो गया है, अब इसमें डाल देता थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हो भाई निकल भी रहा है, यहाँ डाल दिया और भाई इस साइड डाल देता थोड़ा, देख रहे हो निकल रहे भाई, निकल जा निकल गया। ठीक है इसमें नहीं डालते, और कहाँ पे डाल दे भाई, और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डाल लेते हैं भाई, थोड़ा डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है डाल गया भाई, अब चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे डालते हैं इसके, यहाँ पे डाल दिया भाई, अब डाल देते हैं यहाँ पे भाई। ऑयलिंग करते रहोगे ना तो साइकिल बढ़िया चलती रहती है, दिक्कत नहीं आती, बट जो डिस्क ब्रेक होता है ना भाई उसमें ऑयल मत डालना, नहीं तो यार ये जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है इसलिए मैं कभी भी है ना इसमें ऑयल नहीं डालता, बाकी शॉकर में भी डाल सकते हो, वो विश होती है आपकी, इसके में डाल ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा, गिर रहा है अरे यहाँ से डालते हैं नीचे पूरे में, ए भाई यहाँ पर भी डाल दिया, इस वाले में डाल दिया भाई साहब, यहाँ भी मोस्टली हो गया डन। ठीक है तो भाई अब डाल देता थोड़ा थोड़ा यहाँ, यहाँ पे हल्का सा रस्ट हो रहा है इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे, और भाई इस वाली साइड में भी डाल दूँगा हल्का सा। ठीक है भाई हो गया, अब देख सकते हो परफेक्ट हो गई एकदम, थोड़ा यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ पे लग रहा है ना भाई, जहाँ जहाँ पे लग रहा है आपको इसमें चर लग रखा है वहाँ वहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पे भी हो गया भाई, अब इसमें भी डाल देता हूँ हल्का हल्का, बारिश में चली थी ना इसलिए हो रहा है थोड़ा रस्ट, अदरवाइज बढ़िया है सब कुछ। तो यार ये देख सकते हो अला पूरा फट गया, मैंने डोगी को बचाने के चक्कर में किया भाई, तो इसके चक्कर में हो गया भाई, कोई नहीं हो जाता है, बट उनका भी ध्यान रखना पड़ता है यार, एनिमल्स वगैरह का, डोगीज़ वगैरह का, किसी का भी। तो भाई अभी इसको ठीक करवाता हूँ, अभी इनका काम कर रहे हैं भैया, उसके बाद देख रहे हो नई टंकी फिट हो गई है, अभी अपनी वेल्डिंग होगी। ठीक है भाई उसका दिखाता हूँ जब वेल्डिंग करेंगे। ओके भाई अभी मैं खोल रहा हूँ स्टैंड का कुंडा, ये नट है ना जो यहाँ से भाई, इसको मैं कर दूंगा लूज़। ठीक है भाई फिर इसको पकड़ लेंगे हम उससे प्लास से, उसका इसको वेल्ड करवाने के बाद भाई इसको हम कस देंगे बाद में, क्योंकि इसका मतलब खुलना ज़रूरी है, अदरवाइज यदि मेल्ट होके ना इस पे आ सकता है तो फिर ये बैंड हो जाएगा यहाँ से, इसलिए भी मैं इसको खोलता हूँ,
फिर दिखाता हूँ आपको अलग अलग कर। फाइनली इसकी मदद से मैंने निकाल लिए इसके सारे नट्स, ये देख सकते हो ये रहा, और ये रहा अलग, इसको सबको मैंने अलग कर दिया। इसकी जैसे सड़ी भाई औजार इसके अंदर सारे, ये रे औजार, ठीक है। इसको इसी में रख देते हैं और इसमें वेल्ड करवाते हैं, ठीक है भाई। साइकिल की बारी आ गई, साइकिल को चढ़ा दिया ऊपर, देख सकते हो शोरूम के अंदर खड़ी कर दी साइकिल। अब साइकिल का सामान निकाल रहे, साइकिल को कर देंगे उल्टी, फिर करेंगे इसमें वेल्डिंग। देख सकते मोबाइल होल्डर निकाल दिया, एक अपनी साइकिल होने जा रही है उल्टी। ओ भाई साहब ये देखो भाई, ये हो गई साइकिल उल्टी। अब ठीक लग रही है ना भाई। अब इसमें ये देख सकते यार, यहाँ से फटा हुआ है पूरा, इसमें होगा वेल्ड। हो जाएगा ऐसे किसी तरह, है ना, हो जाएगा। कुत्ते को बचाने के चक्कर में ना ये हो गया, हो जाता। इस साइड में कच्ची वेल्डिंग थी तभी टूट गई है ना, कोई नहीं अमीर भैया, अब करवाना तो पड़ेगा ही, नहीं करवाएंगे तो भी दिक्कत भाई। अभी सेट कर रहे हैं इसे, उसके बाद इस पर वेल्ड के टाके मार देंगे, फिक्स हो जाएगा भाई फिर ये। इसको रख दिया इसके ऊपर और इस पर एक सिंगल टाका मार के फिर ही फिक्स हो जाएगा। लेकिन भाई अपने साइकिल का ना पेंट यहाँ से उतर जाएगा पूरा पूरा। तो भाई अभी करेंगे भाई, ये देख सकते हैं ये हो गई मशीन शुरू, अब हो रही है इसकी वेल्डिंग। ये पूरा खत्म हो जाएगा इस साइड का कलर, है ना। हाँ। भाई तो देख रहे हो ये वेल्डिंग धीरे धीरे बची है। पीछे की साइड से है, इस साइड से हो गई वो। एकदम लाल हो गई भाई। ये तो आग लग गई इसमें तो, ये थोड़ा सा रह गया यहाँ का, ये हो जाएगा ना, ये बीच का जो पॉइंट है। छोटे से पार्ट में भी बहुत टाइम लगता है, इसको नकली तरीके से करेंगे तो तुरंत। और वो जो लोहे वाली वेल्डिंग होती है वो काम नहीं करती ना इसमें, टूट जाती है, जला देती है। अच्छा अच्छा वो इसमें क्या होता है, तांबा होता है ये जो, ये डंडा है जो जिससे आप कर रहे हो, ये भी लोहा है जो पकड़ रखा है आपने। अच्छा पिंगाल के करता है लेकिन, है ना भाई, एकदम लॉल हो गया, हो गया फिक्स पूरा।
भाई देख सकते हैं पूरा फिक्स हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक भाई हीट आ रहा है, पूरा गर्म है बहुत ज़्यादा, एकदम लाल दिख रहे हो एप्पल की तरह एकदम ये, लेकिन यहाँ का सारा पेंट है ना ये डैमेज हो गया, देख सकते यार जैगवार की हालत ख़राब हो गई अपनी, तो चुका है फुली ख़त्म। अब यहाँ पे लगने जा रहा है स्टैंड, अभी ये ठंडा हो चुका है तो यहाँ पे लगाएंगे स्टैंड, 5 मिनट का ब्रेक दे दिया इसको, ये ठंडा हो गया पूरा पूरा, इसमें लग जाएगा स्टैंड, उसके बाद इसको करते हैं थोड़ी साफ, फिर चलते हैं भाई। कस गया थोड़ा, ये ना वैसा हो रहा है देखो, खड़ा सा हो रहा है, तभी कह रहा था मैं इसको मोड़ भाई, वेल्डिंग कैसा करता है, हो गया हो गया भाई सही स्टैंड, देख लो पूरा बहुत दिन हो गए खड़ी खड़ी, इसलिए नहीं डला भाई, अब हो गई एकदम परफेक्ट, हवा भी डल गई, स्टैंड भी जुड़ गया, ऑयलिंग भी हो गया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं भाई, अभी जा रहे हैं घर, अब हो गई साइकिल एकदम एक क्लास, बढ़िया चल रही है, बढ़िया भाग रही है भाई, घर जाके करते हैं ब्लॉग का कंप्लीट। अब तो ठीक हो गया यार, स्टैंड वगैरह लग गया, बट ना अभी भी थोड़ा ना झुक सा आ रहा है यार, क्योंकि हैवी ड्राइवर आ रही थी, बच गया भाई मैं, अभी ठा के फेंक देती मेरे को।